हेलो गाइस, मैं हूँ एवी व्लॉगर। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक ट्रिप करा था जो कि दिल्ली दर्शन का ट्रिप था, और वो मैंने इसी कैमरा से शूट करा था। लेकिन जब मैंने घर आकर वापस उसकी फुटेज को एक्सट्रैक्ट करा तो मेरे को लगा कि इसके इमेज सेंसर के अंदर कुछ डस्ट चली गई है, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी पिक्स और काफ़ी वीडियोज़ में आप लोग एक ब्लैक स्पॉट्स देखोगे। तो उसके बाद घर आते ही मैंने फैसला लिया कि मैं इसकी क्लीनिंग किट बुला मंगवा कर इसको क्लीन करूँगा। एक्चुअली आपको कोई भी कैमरा जो कि DSLR है या मिररलेस है, उसको नॉर्मल कपड़े के साथ या नॉर्मल पानी के साथ क्लीन नहीं करना चाहिए। इससे जो है आपका इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसी के लिए मैंने जो है अमेज़ोन से कल एक क्लीनिंग किट ऑर्डर करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो क्लीनिंग किट, गिजगा वालों की तरफ से है, गैजेट क्लीनिंग किट, और ये 6-in-1 है। तो इसका जो MRP है वो 499 रुपीज़ लिखा हुआ है। और इसके अंदर मेरे को क्या क्या मिलता है, इसमें मेरे को एक ब्लोअर मिल रहा है, ब्रश मिल रहा है, और इसमें मेरे को एक स्प्रे मिला हुआ है, ये देखिए, और साथ में कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं। तो आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। सो देखिए, ये इसमें से निकला है, एक ब्लोअर है, एक स्प्रे है, ब्रश है, कुछ स्टिक्स हैं जिससे कि आपको इमेज सेंसर क्लीन करना है, और एक दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं। तो आइए सबसे पहले हमें अपना जो मिररलेस कैमरा है उसका इमेज सेंसर लेंस हटाकर हमें उसका इमेज सेंसर देखना है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन ये इसका इमेज सेंसर होता है। अगर आप लोगों को कुछ, ये देखिए, अब शायद आप लोगों को दिखेगा, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही मेरी जो इमेजेस हैं और जो मेरी फुटेज है जो अभी मैंने दिल्ली ट्रिप पे करी है वो क्लियर नहीं आई है। ये डस्ट पार्टिकल्स उस इमेजेस में और फुटेज में आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो चलिए, इसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए आपको जो रिकमेंडेड होता है वो होता है ब्लोअर। तो सबसे पहले आपको इस पर जो है ब्लोअर से हवा करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि ब्लोअर का जो टिप है वो आपके इमेज सेंसर से टच ना हो। ये देखिए, अब थोड़ा बेटर हुआ है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है ये ध्यान रखना है कि जो इसके टिप हैं आप इसके टिप को टच ना करें, क्योंकि अगर आपने इसके टिप को टच करा तो जो आपके हाथ में जो थोड़ा बहुत डस्ट होगा तो हो सकता है कि वो आपके कैमरा के इमेज सेंसर में लग जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्प्रे करना है इसके एक साइड आप पे स्प्रे करके रखना है और एक साइड पे आपको स्प्रे नहीं करना है, मतलब एक साइड आपको गीली करनी है और एक साइड आपको सूखी रखनी है। अब आपको इमेज सेंसर में इसमें लेफ्ट टू राइट क्लीन करना है, चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट क्लीन करना है, चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट क्लीन करना है, फिर चेंज करना है, फिर लेफ्ट टू राइट क्लीन करना है,
और ऐसे करके आपको जो है इसको क्लीन करना है। एक्चुअली इसका इमेज सेंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए तो बहुत बड़ा चांस है कि आपका पूरा का पूरा कैमरा डैमेज हो सकता है। अब आपने जब गीली वाली साइड कर ली है तो आप सूखे वाली साइड से इसको दोबारा से फिर क्लीन कर लें। अगर आप बाहर मार्केट में जा कर के इसको क्लीन करवाते हैं तो अप्रोक्स आपसे वो ले लेंगे 500 से 1000 रुपया, लेकिन वही अगर आप घर पर बैठ कर कर इसको क्लीन करोगे तो आपकी 300 रुपये की किट आती है, और जो किट आपका 4 से लेकर के 5 बारी तक आपका इमेज सेंसर जो है क्लीन कर देगी। आई बिलीव ये क्लीन हो चुका है, मैं आपको एक बारी फुटेज में दिखाता हूँ। फुटेज में थोड़ा सा दिख रहा है कि अब आप देखेंगे तो उसका इमेज सेंसर पूरा क्लीन हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप साइड से भी क्लीन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं पे डस्ट है, तो थोड़ा सा साइड से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। चलिए, तो इसका इमेज सेंसर तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और जो हमारा लेंस है उस लेंस का इनर वाली जो साइड है उसको भी थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपके कैमरा यूज़ में नहीं है तो आप लेंस कवर लगा कर कर जरूर रखें। अगर आप लेंस कवर लगा कर कर नहीं रखेंगे तो आपके कैमरे के लेंस डैमेज होने का भी चांस रहेगा, और आप जो है कोई बैग भी परचेज कर सकते हैं, अपना DSLR बैग, जिसमें आप अपना पूरा का पूरा जो DSLR है उसके लेंसेज हैं, और अगर आपके पास कोई गिम्बल वगैरह है तो आप उसको भी उस बैग में रख सकते हैं। मैंने एक बैग खरीदा हुआ है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, उसका लिंक भी मैं एक बारी शेयर कर दूंगा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, अब लेंस कितना क्लीन हो गया। अब इसकी फ्रंट साइड भी क्लीन कर देते हैं।
आप ये किट अपने बैग में भी रख सकते हैं जो आपका DSLR बैग है। सो इन केस अगर आप किसी ट्रिप पर हैं और वहाँ पर आपका कैमरा जो है गंदा हो जाता है, तो आप इमीजिएटली इसको वहाँ पर क्लीन कर सकते हैं ताकि आपकी सारी फुटेज ना खराब हो। जी हाँ, ये अब अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो गाइस, अगर आप लोग भी बजट के अंदर अपना कैमरा का लेंस, कैमरा का इमेज सेंसर घर पर क्लीन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस अमेज़ॉन के गैजेट क्लीनर का लिंक मैं यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।